नेम प्लेट पॉलिसी पर जिस तरह का विवाद गरमा रहा है, इस पर तफसील से जानकारी पेश करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ये पूरा मुद्दा है और असल में अब ये मुद्दा राजनीति से भी जुड़ रहा है? जिस तरह से आलाकमान ने यहाँ फटकार लगाई थी कांग्रेस के आलाकमान ने, और अब यहाँ पर बदले बदले रुख भी पेश हो रहे हैं, विक्रमादित्य सिंह की चाहे बात कर लीजिए या फिर अब सफाई प्रदेश सरकार की तरफ से कि पहले यहाँ पर चर्चा होगी, क्या पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स की जो नेम प्लेट की कवायद शुरू की गई थी, वो ये कहा गया था कमेटी की बात करें, जो यूनाइटेड एक कमेटी सर्वदलीय जो कमेटी है उनकी तरफ से अभी निर्धारित नहीं हुआ है, ना ये कहीं पारित हुआ है। हालांकि जो पूरी बात पिछले दो दिनों से हम जिस चीज को देख रहे थे वो विक्रमादित्य की अपनी राय थी, और जो था वो अगर हम बात करें केवल और केवल वो शिमला नगर निगम की बात कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ये उनका कहना है कि ये बिल्कुल नहीं कह रहे थे कि सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि हमने नगर निगम में जो है उसमें तय किया है और सभी वेंडर्स का जो है वो नेम प्लेट और वो जारी की जाएगी। परंतु जिस तरह से अब यू टर्न हुआ, क्योंकि आज जो है विक्रमादित्य को दिल्ली बुलाया गया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि लतार लगाई गई होगी जिससे, क्योंकि नरेंद्र मोदी योगी का नाम है, वो उन्होंने उसके साथ में पोस्ट डाली थी, तो लोगों को ये लग रहा था कि बीजेपी के जो पच्चीनों पर जो है वो कांग्रेस के कुछ लोग जो है वो या मंत्रिमंडल जो है वो चलने लगा है। तो बीजेपी ने भी उसका स्वागत किया था, आपने देखा होगा सुबह चेतन प्राक्का ने भी ये कहा था कि हम इनका स्वागत करते हैं, अगर बीजेपी के जो लाइन ऑफ एक्शन पर अगर कांग्रेस काम करती है तो वो एक अच्छी बात है। परंतु जहां तक हम बात करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स की, जो अभी तक हम ये मान रहे थे कि अनसुलझा है, और वो बिल्कुल अभी अनसुलझा ही है, अभी उसमें जो है वो नीति निर्धारण किया जाएगा, अभी बैठक होनी है, आम जनता की राय, क्योंकि इन्होंने गहनता से आम जनता की राय ली। अगर हम बात करें सृष्टि, तो हमने लोगों से भी बात की है, हमारे भी रिपोर्टर्स ने हर जगह से बात की है, पूरे हिमाचल में हर जगह में हमने ये बात करके देखा है कि लोगों का क्या इसमें रवैया रहा है। तो हिंदू, केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समाज के समुदाय के लोगों ने भी ये कहा है कि हमें जो है उसका स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर कोई हमारे को नाम और अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करनी पड़े तो उसमें कोई दुख नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो अराजक तत्व है उन लोगों से उनको परेशानी हो सकती है, परंतु जो यहाँ पर रहकर काम करने वाला व्यक्ति है उसको इस चीज में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि बहुत से विभिन्न वर्गों के जो थे ये सुझाव आए थे, और विक्रेताओं ने भी ये कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि किसी भी तरह से जो अगर स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी बनती है और उसमें नाम हमारे को अपनी मेंशन करना पड़ता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। जी सृष्टि, ठीक है, अगर ये इतनी अच्छी पहल है अनुराग, तो यहाँ पर राजनीति किस एंगल पर खेली जा रही है? क्या ऐसा है कि जिस तरह से यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया उस वजह से उनको डांट पिटी है कि भाई पहले पार्टी फोरम में ये डिस्कस नहीं किया, या फिर ये डर है कि यहाँ पर कहीं यूपी मॉडल की एडवर्टाइजिंग कांग्रेस की तरफ से ना हो जाए? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सृष्टि, ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो है विक्रमादित्य को इसीलिए लतार लगाई गई होगी, क्योंकि उनको जो आज दिल्ली तलब किया गया था उसका कारण केवल यही हो सकता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप ये कहें कि कोई भी मॉडल जो है किसी का भी, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो इस जो इनका लाइन ऑफ एक्शन है कांग्रेस का वो बिल्कुल अलग है, परंतु अगर हम बीजेपी की बात करते हैं बीजेपी का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। तो अगर कांग्रेस के कुछ मंत्री या कोई भी प्रदेश, मतलब कोई एक नाम किसी का भी ले लें, भले विक्रमादित्य हैं या अनिरुद्ध हैं, तो इस बात पे ये बात बिल्कुल तय हो जाती है कि कहीं ना कहीं उनको जो बीजेपी कार्यशैली है वो अच्छी लग रही है, जिसके लिए ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं उन लोगों को इस बात, हाईकमान है उनको कहीं ना कहीं इस बात से परेशानी हुई होगी। परंतु जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जो यूनाइटेड कमेटी जो सर्वदलीय बैठक में जो सर्वदलीय टीम बनाई गई है उसमें जो है वो जनार्था जो है वो भी बनाए गए हैं, उसमें जो है उनके साथ में विक्रमादित्य हैं, उसमें अनिरुद्ध शर्मा, अनिरुद्ध चौहान हैं, उसके साथ रणधीर शर्मा हैं, तो सतपाल सत्ती जी हैं बीजेपी के, तो इन सबको मिलकर जो है वो एक बैठक होनी है जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि इनको जो है स्ट्रीट वेंडर्स जितने भी कमेटी के लोग हैं या उनका नाम है उनको दिखाया जाना चाहिए, उन लोगों को किस तरह से। अभी पूरी रूपरेखा तैयार होने में लगभग ऐसा लगता है कि 15 से 20 दिन और महीना भी लग सकता है, अभी फिलहाल स्थितियां ऐसी दिख रही है। जी सृष्टि, बिल्कुल लबोलबाब यहाँ पर ये समझा जाए कि इसका स्वागत हिमाचल प्रदेश की जनता, अगर शिमला की बात की जाए तो ये करती हुई दिख रही है, लेकिन अभी राजनीति इस पूरे एंगल पर जो हो रही है इस पर क्या आगे मोड़ निकलेंगे ये देखना बाकी होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, इस सब पूरे मामले पर जानकारी पेश करने के लिए।